यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हर सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट्स कृपया करके ध्यान से सुनेंगे। आपके बहुत सारे सवाल हमारे पास भी आ रहे थे और शायद इंस्टीट्यूट के पास भी पहुंच ही गए कि सर स्किल ट्रेनिंग का क्या करना है। कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई मेल नहीं आ रहा। अब जून में परीक्षा है, कैसे देना है, कब देना है, क्या करना है, तो इंस्टीट्यूट भी अभी इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है। इसलिए आपको लिए एक खुशखबरी है कि एग्जेम्पशन आपको दे दिया गया है स्किल ट्रेनिंग से फॉर द टाइम बीइंग। आपको अभी इंटर एग्जाम के पहले स्किल ट्रेनिंग की चिंता जरा सी भी नहीं करनी चाहिए, और होनी भी नहीं चाहिए। यार इंटर का ऐसे ही इतना पढ़ाई है, इतना कम समय है, और ऊपर से स्किल ट्रेनिंग एक महीना ले ले तो पूरा पढ़ाई चौपट हो जाता है। तो स्किल ट्रेनिंग अभी बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन आपको फाइनल का एक भी ग्रुप देने के पहले ज़रूर ख़त्म कर लेना है। तो अच्छा है ना, अब हम लोग कब करेंगे, आराम से एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद जब समय मिलेगा धीरे धीरे कर लेंगे, बेस्ट हो गया। ये आप लोगों के लिए एकदम सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। अब अगर मैं मान लूं आप में से ऐसे बच्चे भी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, और मान लेते हैं कि अभी आप एक्चुअली फाइनल में जाने के लिए रेडी हो और इंटर का एग्ज़ाम आप क्लियर कर चुके हो, ठीक है, इंटर का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हो, फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रेडी हो, आप वेट कर रहे हो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेरे को लेना है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कि मैं जहां जाऊं वहां मेरा सिलेक्शन हो जाए। मेरे को इंटर्नशिप के बारे में कुछ जानना है, क्या होता क्या इंटर्नशिप, मैं तो कभी कहीं ऑफिस गया ही नहीं। अगर ऐसा आपके मन में चल रहा है तो इस इंटर्नशिप का सारा मिथ्स को ब्रेक करते हैं, उसमें क्या वैल्यू मिलती है, कैसे एक इंटर्न को जाना चाहिए ऑफिस में, किस भाव से, किस बिहेवियर से, किस सोच से, कैसी लर्निंग उसकी होती है, उन सब को हमने एक वर्कशॉप में कन्वर्ट किया है। सिंपल 1.5 आवर्स वर्कशॉप होगा, जिसमें मैं और मेरे साथ एक बहुत ही सीनियर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए गिरीश गनेड़ी वाला सर, जो कि मेरे भी मेंटर रहे हैं, वो आएंगे, आपको बताएंगे कि इंटर्नशिप कितनी वैल्यूएबल होती है एक स्टूडेंट के लाइफ में, और किस आउटलुक से इंटर्नशिप करी जानी चाहिए, कहाँ से करी जानी चाहिए, कौन सा एरिया में किया जाना चाहिए, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मिस मत करिएगा ये अपॉर्चुनिटी। आपको लाइव ऑनलाइन आना होगा हमारे साथ 1.5 घंटे 2 घंटे समझने के लिए, इंटर्नशिप की सारी मिथ ब्रेक करने के लिए। ऑलराइट, तो बस इतना छोटा सा ही अनाउंसमेंट मैं लेके आया था। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जिनका भी इंटर में एग्ज़ाम है अभी, और वो अगर वरीड थे स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनको खबर करिए, उनको बताइए। और अगर आप इंटर्न एग्ज़ाम दे भी चुके थे इंटर का, अभी भी वेट ही कर रहे थे कि क्या करना है स्किल ट्रेनिंग का, आपको पता चल गया कि फाइनल के पहले ख़त्म करना है, जब इंस्टीट्यूट से आएगा नोटिफिकेशन तब आएगा सब, तब हम लोग करेंगे, तब तक इंतज़ार करेंगे, और तब तक समय यूटिलाइज करना है तो इस इंटर्नशिप वर्कशॉप में ज़रूर आना है, ठीक है। सी यू सून। हाँ, इसमें रजिस्टर कैसे करना है, ये क्यूआर कोड दिया हुआ, इसको स्कैन कर लो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करो, हम मिलते हैं आपके साथ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा, उस ग्रुप में मिलेंगे आपसे।